हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मेरे पास लाइक ये सवाल आ रहा था मेरे पास कि सर, किस तरीके से हम अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के रिजल्ट अभी भी आने बाकी हैं। सो दे आर लाइक वेरी वॉरिड अबाउट अपकमिंग एग्जामिनेशन, कि उनको कौन से एग्जाम देने हैं, कौन से एग्जाम नहीं देने हैं और रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, कि आपके रिजल्ट कैसे आए हैं एंड आपको कितने मार्क्स मिले हैं आपके असाइनमेंट में और थ्योरी में, और आपको ओवरऑल आप उस पेपर में पास हुए हो या फिर नहीं हुए हो। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस आपको करना क्या है, आपको गूगल का एक टैब खोलना है, उसमें आपने टाइप करना है इग्नू ग्रेड कार्ड, इग्नू ग्रेड कार्ड। अब जैसे इसको टाइप करके एंटर करेंगे, एक वेब पेज खुलेगा। ये देखो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इस तरीके से आपका वेब पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना ग्रेड कार्ड स्टेटस चेक करना है कि आपको कौन सा लाइक प्रोग्राम के लिए आपको चाहिए। तो आपको मास्टर डिग्री के लिए चाहिए, तो देखो यहाँ पे फॉर बीसीए एमसीए, अच्छा ये देखो स्पेसिफिक कोर्सेज के नाम बता दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे भी देखो स्पेसिफिक कोर्सेज के नाम बता दिए गए हैं, यहाँ भी आपको क्लिक नहीं करना है। आपको जाना है फॉर अदर प्रोग्राम्स में, सीबीसीएस प्रोग्राम्स भी आपको नहीं जाना है, आपको फॉर अदर प्रोग्राम्स में जाना है। यहाँ पे फिर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, ठीक है ना, उसको डालना है। डालने के बाद आपको अपना कोर्स चूज करना है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। जैसे कि अगर आप एमकॉम का कोर्स कर रहे हो, तो फिर आपको एमकॉम के ऊपर ही ध्यान देना होगा, ये एमकॉम है, और आपने फिर इसको सर्च करना है। आप जैसे ही इसको सर्च करेंगे, आपका रिजल्ट जो है निकल करके आ जाएगा अलॉन्ग विथ थ्योरी एंड असाइनमेंट एज वेल, दोनों दोनों ही दोनों के रिजल्ट ही आपको दिख जाएंगे। और साइड में आपको कंप्लीटेड या फिर नॉन कंप्लीटेड का ऑप्शन दिखेगा। अगर कंप्लीट हो चुका होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप वापस से भरना है। आप दूसरे सवाल पर चले आते हैं कि सर, फॉर्म फिलअप तो हम लोगों ने ऑलरेडी भर लिया है, अब अगर किसी पेपर में फेल करते हैं या कुछ दिक्कत होती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इग्नू ने लाइक अपने वेबसाइट में बोला भी था कि आपको जो है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूं, ये देखो यहाँ पे फॉर्म फिलअप का लिंक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जैसे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो अपने जो भी एग्जाम वो अपकमिंग देने वाले हैं उसका फॉर्म फिलअप कर लो। जिसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा उसको फिर बाद में फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है ना, पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट का कर लेना। आपको क्या करना है, सिर्फ फी ही तो पेमेंट करना है। फी पेमेंट आपने कर दिया, आपको जो है फॉर्म फिलअप वगैरह हो जाएगा। तो अभी अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम्स हैं, आप उनका फॉर्म फिलअप कर लो। अगर रिजल्ट नहीं आया है तो सिर्फ उसी का करो जिसको जिसका आपको एग्जाम देना है, ठीक है ना। अब रिजल्ट में अगर कुछ गड़बड़ आपको नजर आती है, कुछ किसी पेपर में अगर आपका बैकलॉग लग जाता है, तो उस पेपर का आप बाद में जो है अलग से फॉर्म फिलअप कर लेना विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो कि है 31st of October, उसके पहले ही करना है। उसके बाद अगर आप करोगे तो फिर आपको लेट फाइन लगेगा, ठीक है ना, और लेट फाइन बहुत ही भारी भरकम है। 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो 200 रुपए पर कोर्स आपको लगेंगे ही लगेंगे। सपोज 6 पेपर है तो 6 × 12, 1200, ठीक है ना, 6 × 12 तो 1200 रुपए तो आपको लगने ही है, प्लस 1100 रुपए आपको लेट फाइन भी लगेगा, मतलब जितना का कोर्स फी उतना का लेट फाइन। तो लेट फाइन के चक्कर में मत पड़ो, फॉर्म फिलअप फटाफट अपना कर लो, और अगर किसी पेपर में बाद में दिक्कत होती है तो फिर उसको फिर बाद में अपना फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट इट, आप अपना इत्मीनान से फॉर्म फिलअप कीजिए। एंड रिजल्ट चेक करने के लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया, आपको अपना इग्नू ये जो लिंक है इसको आप पे ध्यान देना है, greatcard.ignu.ac.in, इस पे आप आ सकते हो, या फिर सिंपली आप गूगल में टाइप करोगे, क्या टाइप करोगे मैंने आपको बताया था, इग्नू ग्रेड कार्ड, ये जो सबसे पहला ऑप्शन खुलेगा इग्नू की तरफ से, इसको आपने क्लिक कर रहा है, यहाँ पे अपना कोर्स चूज करोगे, ठीक है ना। अदर प्रोग्राम्स में आप जाओगे, एनरोलमेंट नंबर दोगे और यहाँ पे आपको अपना कोर्स चूज करना है। अब किसी का अगर सीबीसीएस है, जैसे कि बीकॉम जी के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनका सीबीसीएस है, तो सीबीसीएस में आपको जाकर के यहाँ पे जो है आपको अपना एनरोलमेंट नंबर देना है और यहाँ पे आपको बीकॉम जी सेलेक्ट करना है। वेयर इज बीकॉम जी, ये रहा देखो बीकॉम जी, है ना, ये सेलेक्ट करना है, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और फिर सर्च कर देना है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, एंड बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको करो। कोई भी दिक्कत होती है तो हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, और अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, या फिर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके भी वहां से आप हमारे नोट्स को परचेस कर सकते हैं। आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी कि आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकें अपने मोबाइल में, साथ ही साथ आप उसको प्रिंट आउट भी करवा सकें। तो इट इज एज पर योर नीड कि आप उसको कैसे स्टडी करना चाहते हो, प्रिंट आउट के थ्रू या फिर ऑनलाइन, ठीक है ना। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, और मिलते हैं अगले क्लास में। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।